नारायण नारायण, आज हम पढ़ रहे हैं सुग्रीव चरित्र तीसरा प्रवचन। अनोखे प्रश्न करने वाले भी कभी मिल जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ा विचित्र प्रश्न किया, पूछा, अनेक श्रद्धालु कहते हैं कि आप तुलसी के अवतार हैं और अनेक श्रद्धालु कहते हैं कि मुरारी बाबू तुलसी के अवतार हैं, तो आप में से असली अवतार कौन है? मैंने कहा, भाई, हम दोनों तुलसी पद का चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। जो यह निर्णय हो कि तुलसी के पद का वास्तविक अधिकारी कौन है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज से कुछ 100 वर्ष पूर्व राम कथा लिखी गई और राम कथा में इतनी शक्ति है कि पहले तो तुलसीदास ने राम कथा का निर्माण किया, परंतु उसके बाद से रामकथा ही तुलसीदासों का निर्माण कर रही है। यह तो वस्तुतः रामकथा की ही महिमा है, व्यक्ति की नहीं, बल्कि तुलसीदास भी तुलसीदास थोड़े ही थे। रामकथा ने ही तो उन्हें तुलसीदास बनाया था। आपने तुलसीदास का वह दोहा पढ़ा होगा जिसमें वे कहते हैं कि मैं तो भांग था। तुलसी और भांग दोनों बिल्कुल भिन्न प्रकार की चीजें हैं। तुलसी में जहाँ पवित्रता और सात्विकता है, उसे भगवान को अर्पित किया जाता है, वहीं भांग में नशा है। पर गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो पहले भांग था, तो आप तुलसीदास कैसे बन गए? उन्होंने कहा, नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम नाम ही कल्प तरु और हित का आगार है, जिसका जप करके भांग रूपी मैं तुलसी में परिणत हो गया। तो यह भगवान का मंगलमय नाम और उनकी कथा का ही प्रभाव है। यह जो श्रद्धा आपके मन में आती है, उसमें रामकथा की ही महिमा है। व्यक्ति विशेष का महत्व बस इतना ही है कि प्रभु ने कृपा करके उसे अपने माध्यम के रूप में चुन लिया है। मानस में वक्ता और श्रोता दोनों के लिए विशेषण दिए गए हैं, पर श्रोता के लिए कुछ अधिक उदारता के शब्दों का प्रयोग किया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। वक्ता के लिए कहा गया है कि वह सज्जन हो, और श्रोता के लिए कई बातें जोड़कर कही गई हैं कि वह सुमति हो, सुशील हो, पवित्र हो, कथा रसिक हो और भगवान का दास हो। अब हम सुग्रीव चरित के संदर्भ में आपके समक्ष कुछ सूत्र प्रस्तुत करेंगे। अगर केवल बहिरंग दृष्टि से विचार करके देखें तो सुग्रीव के चरित्र में ऐसी कई दुर्बलताएं दिखाई देती हैं जिन्हें देखते हुए उन्हें जो दिव्य सौभाग्य और गौरव मिला, उसके वे पात्र दिखाई नहीं देते। पर मानस में वस्तुतः इसे दो रूपों में प्रस्तुत किया गया है। पहले आप पात्र बनिए, फिर प्रभु को पाइए। एक भावपूर्ण प्रसंग है जब महाराज जनक प्रभु के मंगलमय चरण धोते हैं, चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो वे स्वर्ण के पात्र में सुगंधित जल भरकर ले आते हैं। कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी, बरु विलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पुखार न लागे। भगवान राम के चरणों को पाने के लिए पात्रता की अपेक्षा है, स्वर्ण पात्र चाहिए। स्वर्ण स्वयं प्रेम का प्रतीक है। कनक ही बान चढ़ही जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। जैसे तपाने से सोने में चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का निर्वाह करने से प्रेमी का गौरव बढ़ता है। इस स्वर्ण पात्र में भरा हुआ जो जल है वह क्या है? राम के चरणों की अनुराग रूपी जल के बिना मल का पूरी तरह से नाश नहीं होता। राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति के अंतःकरण में प्रेम हो, उसमें अनुराग का जल भरा हो और उसमें शील की सुगंधित मिश्रित हो। ऐसी पात्रता जब उसमें आती है, तब वह भगवान के चरण पखारने का अधिकारी बनता है। पर इसका उल्टा एक दूसरा पक्ष भी है। जब भगवान राम ने केवट को आदेश दिया कि अच्छा भाई, तुम मेरे चरण धो लो, और केवट जब भगवान के चरण धोने लगा तो वह जल किस पात्र में लाया? उसके नाव में पानी उलीचने का एक कठौता पड़ा हुआ था, वह उसी में जल ले आया। किसी ने केवट से पूछा, तुम्हें पता भी है इन चरणों को धोने के लिए कैसा पात्र चाहिए? जिस पात्र में तुम प्रभु के चरण धो रहे हो, क्या वह सचमुच भगवान के चरण धोने के योग्य है? केवट ने कहा,
जो लोग ऐसा मानते हैं कि पात्र होने के बाद ही प्रभु के चरण मिलेंगे तो वे पात्र होकर पाएं, परंतु मेरा तो मानना यह है कि प्रभु के चरण जहाँ चले जाएंगे वहीं पात्र हो जाएगा। वह स्वयं पात्र बनकर नहीं जाता, अपितु प्रभु ही पात्र बना देते हैं। इसीलिए केवट ने भगवान से कहा, महाराज मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप पार जाना चाहते हैं तो चरण धुलवाइए। पर उसके साथ उसने एक शर्त और जोड़ दी, आपको चरण तो धुलवाने ही होंगे और उन्हें भी मैं तभी धोऊंगा जब आप अपने मुख से कहेंगे कि मेरे चरण धोवो। जो प्रभु पार अवसी जा गा चहु मोहि पद पदुम पखारन कहु। केवट की भाषा बड़े अभिमान भरी लगती है, पर उसका अभिप्राय क्या है? जो पात्र या अधिकारी है वह तो आपसे दावा कर सकता है कि आप चरण दीजिए, परंतु जब आप स्वयं कृपा पूर्वक देने आए हैं तो व्यग्रता आप में है, मुझ में नहीं। ऐसी स्थिति में यदि आप सचमुच कृपा करने को व्यग्र हो रहे हैं तो आप अपनी कृपा प्रकट कीजिए। दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। पात्र बनकर प्रभु को प्राप्त करना एक पक्ष है और प्रभु को पाकर पात्र बन जाना दूसरा पक्ष है। जहाँ तक सुग्रीव के चरित्र का संदर्भ है, उसे यदि हम बहिरंग दृष्टि से देखें तो उनमें कोई पात्रता नहीं दिखाई देती, पर सुग्रीव के संदर्भ में एक बड़ी अद्भुत सी बात मिलेगी। और इस पर लक्ष्मण जी के मन में भी बड़ा कुतूहल हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रभु ने किस गुण पर रीझ कर सुग्रीव को मित्र बनाया। उन्होंने एकांत में प्रभु से पूछ भी लिया। तब प्रभु ने उनसे यही कहा, लक्ष्मण तुम्हारा प्रश्न ठीक है, सुग्रीव के चरित्र में कमी तो दिखाई देती है, परंतु यह बताओ कि सीता जी, शबरी जी और हनुमान जी के बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? लक्ष्मण जी तो तीनों के महान भक्त, सेवक और प्रशंसक हैं। भगवान राघवेंद्र ने कहा, लक्ष्मण क्या इस बात पर तुम्हारा ध्यान गया कि रावण दंडकारण्य से किशोरी जी का हरण करके लंका तक ले गया, परंतु उन्होंने किसी को भी अपना चिन्ह नहीं दिया? और सुग्रीव ने प्रभु को अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परे बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन हो पटदारी, मागा राम तुरंत तही दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, कितने आश्चर्य की बात है कि सीता जी दंडकारण्य से लंका तक विमान में बैठकर गईं, पर चिन्ह देने के लिए उन्होंने सुग्रीव को ही अधिकारी माना। अब भक्ति देवी ने जिन्हें स्वयं प्रमाण पत्र दे दिया, उसे मैं कैसे अस्वीकार करूं? उन्होंने तो और किसी को पात्र नहीं माना। इसका सांकेतिक अर्थ क्या है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक बड़ी सूझ की बात कही है। किशोरी जी ने आकाश से अपना आभूषण गिराया था, यह बड़ी प्रसिद्ध बात है। और इस संदर्भ में बड़ी भावनापूर्ण बात कही जाती है कि प्रभु उन आभूषणों को नहीं पहचान सके। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जरा तुम पहचानो कि क्या ये आभूषण सीता जी के ही हैं। लक्ष्मण जी ने अन्य आभूषणों को पहचानने में तो असमर्थता दिखाई, पर चरणों के नुपुरों को पहचान लिया। वे बोले, मैं केवल चरणों की ही वंदना करता था, अतः मैंने केवल उनके नुपुरों को ही देखा है, अन्य आभूषणों को मैंने कभी नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने सीता के जी के चरणों को छोड़कर कभी ऊपर नहीं देखा था। एक दृष्टि से देखें तो उसमें एक उदात्त भावना दिखाई देती है। मर्यादा की दृष्टि से यह बात चाहे जितनी उचित ऊँची प्रतीत हो, पर भावनात्मक दृष्टि से इसमें एक बड़ा प्रश्न है। गोस्वामी जी इस प्रसंग को एक भिन्न भावभूमि से प्रस्तुत करते हैं। वे यह नहीं कहते कि सीता जी ने सुग्रीव के सामने अपना आभूषण गिराया, बल्कि कहते हैं कि पर्वत शिखर पर अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए सुग्रीव को देख सीता जी ने अपना वस्त्रखंड उनके सामने डाल दिया। यह एक भिन्न भावभूमि है और यह कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं कि सीता जी के प्रति लक्ष्मण का मातृभाव है। अब यह कैसी विचित्र बात है, क्या किसी बच्चे के लिए यह संभव है कि वह माता के केवल चरण देखे, मुख न देखे? यह कैसे संभव हो सकता है? बल्कि सच तो यह है कि बच्चे माँ के चरण कम और मुख ही अधिक देखा करते हैं। लक्ष्मण जी ने आँख उठाकर कभी सीता जी का मुख भी नहीं देखा,
अब यदि यह कहकर उनके चरित्र को बहुत ऊंचा सिद्ध करना हो तो धर्म के संदर्भ में वह चाहे जितना भी महत्वपूर्ण हो पर भक्ति भावना के संदर्भ में यह अनुकूल नहीं है। गोस्वामी जी का संकेत क्या है? उन्होंने दार्शनिक तत्व को भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने संकेत किया कि पुष्प वाटिका में श्री राम ने जनक नंदिनी सीता जी को देखा और सीता जी भी श्री राम को देखकर नेत्र मार्ग से उनको हृदय में ले आई और पलकों के कपाट बंद कर लिए। लोचन मगरा मही उर आनी दीन है पलक कपाट सायनी। उसके बाद सखियों ने श्री सीता जी से कहा कि जरा नेत्र खोलकर तो देखिए, इसका क्या अभिप्राय है? आप सीता जी तो वस्तुतः श्री राम को ही देख रही हैं, श्री राम ही उनके हृदय में हैं। श्री राम जब अपने भीतर दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर यदि भीतर ही दिखाई दे रहे हैं तो क्या उनको बाहर देखना जरूरी है? पर सखियां तो उनसे कहती हैं, जरा नेत्र खोलकर तो देखिए। सीता जी ने सखियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उनके नेत्र खुले। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज सीता जी तो भीतर भी उनको देख रही हैं और बाहर भी उन्हें ही देख रही हैं, इसमें अंतर क्या है? वे बोले, नहीं भाई, एक अंतर तो है। क्या? बोले, जब भीतर देख रही थी तो केवल राम ही दिखाई दे रहे थे, पर जब आँख खुली तो उन्होंने किसको देखा? सकुच सी ये तब नयन उघारे, सन्मुख दो उरगुसिंग निहारे। श्री राम और लक्ष्मण दोनों को देखा। यहाँ गोस्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। जगदम्बा सीता जी जब केवल अपने प्रभु को देखती हैं तो यह उनके महानतम प्रेम का द्योतक है, पर नेत्र खोलने के बाद जब ईश्वर के साथ जीव पर भी उनकी वात्सल्यमयी दृष्टि पड़ती है तब वे हमें भी देखती हैं। यदि वे केवल अपने प्रभु को ही देखती रहें तो इससे उनके तथा प्रभु के प्रेम का परिचय तो मिलता है, परंतु जीव के प्रति माँ का जो वात्सल्य भाव है वह कहाँ दिखता है? किशोरी जी की दृष्टि एक साथ श्री राम की ओर भी है और लक्ष्मण की ओर भी। उनकी दृष्टि में एक साथ ही श्रृंगार भी है और वात्सल्य भी। इसका अभिप्राय यह है कि किशोरी जी श्री राम को ही नहीं लक्ष्मण को भी देखती हैं, और यही स्वाभाविक भी है। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र को स्नेह और वात्सल्य से न देखती हो? वैसे ही कौन ऐसा पुत्र होगा जो यह निर्णय कर ले कि हम तो केवल माँ के चरणों को ही देखेंगे, माँ के मुख की ओर नहीं देखेंगे? गोस्वामी जी ने मर्यादा के उस रूप के स्थान पर भाव भक्ति के पक्ष को महत्व देते हुए कहा, भाई मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने आभूषण दिया, और आभूषण में वह संकेत भी नहीं है जो वस्त्र में है। आभूषण और वस्त्र में क्या भेद है? शरीर पर आभूषण हो तो मनुष्य को ऐश्वर्य का बोध होता है, आभूषण अधिक मूल्यवान और वस्त्र कम मूल्यवान लगते हैं। पर यदि विचार करके देखें तो महत्व किसका अधिक है, वस्त्र का या आभूषण का? हनुमान जी और रावण के बीच जब वार्तालाप हुआ तो रावण तो बोलने में बड़ा पटु था। अपने साहित्य में अलंकारों की चर्चा सुनी होगी। अलंकार का एक अर्थ आभूषण भी है। साहित्य के संदर्भ में जब कोई विद्वान वक्ता बोलता है तो उसके भाषण में विविध प्रकार के अलंकार होते हैं। रावण ने सोचा, यह बंदर तो स्वयं को बड़ा वक्ता समझता है, मेरे इस पांडित्यपूर्ण भाषण में इसको अलंकार दिखाई पड़ा या नहीं? कई वक्ताओं के सामने यह समस्या रहती है। वे बेचारे बोलने के तत्काल बाद पूछते हैं, आज कैसा जमा? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं शंका रहती है। वे दूसरों से प्रमाण पत्र पाने को व्यग्र रहते हैं। रावण में भी यही दुर्बलता थी। हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे भाषण में बहुत अलंकार थे। रावण बोला, तो फिर तुम मेरे पांडित्य से प्रभावित हुए या नहीं? हनुमान जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि अलंकार तो तुम्हारी भाषा में बहुत हैं पर वस्त्र नहीं हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। हनुमान जी कहते हैं, हे रावण, नारी के शरीर पर चाहे जितने भी आभूषण हों उनसे वह ऐश्वर्य की स्वामिनी तो हो सकती है, परंतु यदि उसके शरीर पर वस्त्र न हो तो उसके शील की लज्जा की रक्षा नहीं हो सकती। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। वस्तुतः आभूषण की तुलना में वस्त्र का मूल्य कम भले ही हो पर गुण की दृष्टि से तो वस्त्र का ही अधिक महत्व है। रावण ने पूछा, कौन सा वस्त्र मेरे भाषण में नहीं था?
हनुमान जी बोले, तुम्हारे भाषण में अलंकार तो अनेक आए, पर राम नाम का वस्त्र नहीं आया। इसीलिए तुम्हारी भाषा तो नग्न है। किसी व्यक्ति के शरीर पर चाहे जितने भी आभूषण क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके शरीर पर वस्त्र ना हो, यदि वह नग्न हो, तो उसे देखने पर अशिष्टता का, अश्लीलता का बोध होगा। हनुमान जी ने कहा, रावण, भाषा तुम्हारी चाहे जितनी भी अलंकारमयी हो, परंतु मैं तो उसकी ओर दृष्टि नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुमने राम नाम का प्रयोग नहीं किया। इसीलिए श्री सीता जी के संदर्भ में गोस्वामी जी ने वस्त्र को चुना, आभूषण को नहीं। इसका एक अभिप्राय और भी है। वस्त्र क्या है? वस्त्र लज्जा ढकने का प्रतीक है। सीता जी के सामने मुख्य समस्या यह है कि आज वे उस व्यक्ति को खोज रही हैं जो उनकी लज्जा को बचा सके। लंका से लौटने के बाद किसी ने सीता जी से पूछा, जब आपको रावण ले जा रहा था तो आपने अपना वस्त्र खंड बाली को क्यों नहीं दिया? वह तो रावण का विजेता है, आपको रावण से छुड़ा सकता था, पर आपने सुग्रीव को वस्त्र दिया, इसका क्या तात्पर्य है? सीता जी ने कहा, जो स्वयं ही दूसरों की लज्जा का हरण करने वाला है, वह मेरी लज्जा क्या बचाएगा? जिसने अपने छोटे भाई की पत्नी को छीनकर अपनी पत्नी बनाना चाहा, वह व्यक्ति चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, वह तो केवल लज्जा का अपहरण करने वाला है, लज्जा बचाने वाला नहीं। सीता जी ने कहा, वस्तुतः मुझे लज्जा बचाने वाले की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि लज्जा बचाने की क्षमता तो एकमात्र प्रभु में ही है, अन्य किसी में नहीं। मुझे तो किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो प्रभु तक मेरा संदेश पहुंचा सके। बाली समर्थ है और सुग्रीव असमर्थ। यहाँ पर समर्थ और असमर्थ में जो चुनाव किया गया, इसका प्रतीकात्मक तात्पर्य क्या है? किशोरी जी ने अपना संदेश देने के लिए, चिन्ह देने के लिए समर्थ बाली का चुनाव न करके असमर्थ सुग्रीव का चयन किया। लक्ष्मण जी ने प्रभु को याद दिलाया। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या आपको कभी जटायु की याद आती है? गिद्धराज का नाम सुनते ही प्रभु की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने व्याकुल होकर कहा, लक्ष्मण, गिद्धराज को खोकर तो मैंने दूसरी बार पिताजी को खो दिया। सुनहु लक्ष्मण खगपति मिले बन, मैं पितु मरण न जानियो, सही सक्यो सो कठिन विधाता, बड़ो पछु आजु ही भान्यो। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु तो गिद्धराज के प्रेम में गदगद हो रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया, प्रभु, जब आपको गिद्धराज इतने प्रिय लगते हैं तो सुग्रीव कैसे लगते हैं? व्यंग क्या था? एक व्यक्ति जो सीता जी का हरण होते देखकर सीता जी को बचाने के लिए रावण से लड़ा और अपना प्राण दे दिया, और दूसरा व्यक्ति पर्वत के शिखर पर चुपचाप बैठा देखता रहा, सीता जी का वस्त्र पाकर भी उसने सीता जी को बचाने की चेष्टा नहीं की, क्या यह सुग्रीव की कायरता नहीं है? क्या गिद्धराज जैसे महान व्यक्ति से सुग्रीव की तुलना की जा सकती है? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से दो बातें कहीं और ये दोनों बातें बड़ी सावधानी से समझने योग्य हैं। इसे यदि सावधानी से न सुने तो भ्रांति हो जाने की संभावना है। एक तो यह कहा कि गिद्धराज महान प्रेमी थे, सीता जी को बचाने के लिए गिद्धराज ने रावण को चुनौती दी और उनके मुख से यह वाक्य निकला, पुत्री सीता, तुम चिंता मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करहु जात उधान कर नासा। पर गिद्धराज की यह घोषणा सत्य नहीं हो पाई, वे रावण के विनाश में समर्थ नहीं हो सके। उनके शब्दों को सत्य करने हेतु भगवान राम को एक कार्य करना पड़ा। गिद्धराज ने जब देह त्याग किया तो प्रभु ने उन्हें अपना विष्णु रूप दे दिया। क्यों? इसलिए कि इतने बड़े भक्त के मुख से निकली हुई वाणी, मैं रावण को मारूंगा और इस शरीर में यदि वे नहीं कर सके तो यह कार्य मेरे द्वारा पूर्ण होगा और तब विष्णु के रूप में ये मुझसे अभेद हैं, इस प्रकार रावण का वध विष्णु रूप में इनके द्वारा ही हो जाएगा और इनका संकल्प भी सत्य हो जाएगा। पर इसके दूसरे पक्ष पर विचार कीजिए कि अंत में गिद्धराज का संकल्प पूरा क्यों नहीं हुआ? गिद्धराज ने सीता जी का पक्ष लिया, न्याय का पक्ष लिया, अन्याय को चुनौती दी और पूरी शक्ति लगाकर उससे युद्ध किया, पर बहिरंग दृष्टि से
जो बात दिखाई देती है वह है रावण की विजय और गीतराज की पराजय। इसका एक और पक्ष है, मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप उसी अर्थ में लेंगे जिस अर्थ में कही जा रही है, और वह यह है कि मैं रावण का विनाश करूँगा, यह घोषणा गीतराज के मुख से अनजाने ही हो गई थी। सात्विक मनोभूमि के दृष्टि से तो यह घोषणा बड़ी अच्छी है, लेकिन दूसरी दृष्टि से विचार करके देखिए कि गीतराज को भगवान श्री राम के स्वरूप का ज्ञान है क्या? श्री राम साक्षात ईश्वर हैं। यहाँ पर दो पात्रों की याद आती है, एक तो गीतराज की जो सीता जी से यह कहते हैं कि पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं रावण को मारकर तुम्हें बचा लूँगा। इसका अभिप्राय है कि उनके अंतःकरण में भीतर कहीं सात्विक अहंकार शेष है। कैसा अहंकार? जिनको राम नहीं बचा पाए उनको मैं बचा लूँगा, यही तो अंतर है ना। जिस समय सीता जी ने मारीच की आवाज़ सुनी और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम तत्काल जाओ, तुम्हारे भाई पर बड़ा संकट आ पड़ा है, जाहुपे की संकट अतिभ्राता, लक्ष्मण भी हसी कहा सुन माता, विकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परय की सोई। लक्ष्मण जी तत्काल नहीं दौड़े, बल्कि वे तो उलटकर खूब हंसे और बोले, यह आप क्या कह रही हैं? अरे जिनके बोहों के इशारों से सृष्टि और प्रलय होता है उन पर संकट? माँ मुझे तो आपकी बात सुनकर बड़ी हंसी आ रही है, मैंने तो यही सुना था कि जब जीव संकट में पड़े तब वह भगवान को पुकारे, पर पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि भगवान में संकट में पड़े हैं और जीव को पुकार रहे हैं, ऐसी बात तो पहले सुनने में कभी नहीं आई। सीता जी की बातों से लक्ष्मण जी प्रभावित नहीं होते, वे निरंतर भगवान राम की सेवा करते हुए भी इस बात को एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं करते कि राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं और जो कार्य हमसे ले रहे हैं यह उनकी कृपा है, आवश्यकता नहीं। गीतराज के मुख से निकला हुआ वाक्य उनके सात्विक अहंकार को उजागर करता है। किसी महापुरुष के संदर्भ में मैंने पढ़ा था कि जब उन्होंने एक मंदिर को टूटा हुआ देखा तो उनके मन में एक बात आई कि मैं इस मंदिर का उद्धार करूंगा। तुरंत उन्हें एक वाणी सुनाई पड़ी, तुम जब उद्धार करने की बात कहते हो तो इसका अर्थ तो यही समझ में आता है कि मैं स्वयं अपना उद्धार करने में समर्थ नहीं हूँ, तुम अपने जीवन को धन्य करने के लिए सेवा करते हो। इसका अभिप्राय यह है कि हमें स्वयं को इस सात्विक अहंकार से भी मुक्त करना होगा कि यह कार्य मेरी क्षमता और शक्ति का परिणाम है। इसे हम ठीक से समझ लें। गीतराज की पराजय क्यों हुई? बड़ा सूक्ष्म संकेत है। कैसी उल्टी बात हो गई? यहाँ ईश्वर का संकल्प और रावण का संकल्प दोनों एक हो गए। भगवान राम भी चाहते हैं कि सीता जी का हरण हो ताकि रावण का विनाश हो, और रावण भी चाहता है कि सीता का हरण हो। गीतराज जो कार्य करते हैं वह प्रभु की महानतम सेवा होते हुए भी इसमें उनकी पराजय हुई। इसका अर्थ यह है कि जब हम यह मानने की भूल कर बैठेंगे कि जो कार्य ईश्वर के द्वारा नहीं हो सकता उसे मैं अपनी शक्ति और क्षमता के द्वारा कर सकता हूँ, तो इसका परिणाम होगा कि हमें पराजित होना पड़ेगा। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी भूमिका को समाप्त कर दें। हमें यह मानकर काम करना है कि प्रभु ही हमसे यंत्र के रूप में करा रहे हैं और इस यंत्र के द्वारा वे जो चाहे करा लें। गीतराज पराजित तो हुए, पर उस पराजय में भी उन्हें धन्यता की अनुभूति हुई। जब प्रभु ने पूछा, आपको पंख कटने के बाद कैसा लगा, तो गीतराज बोले, प्रभु जब मेरे पंख थे तब मैंने संपाति के साथ ऊपर सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की, लेकिन सूर्य का ताप इतना प्रबल था कि मुझे लौट आना पड़ा, मेरे पंख सूर्य तक नहीं पहुंच सके। पर देखिए कैसी उल्टी बात है, जब पंख कट गए तब मैं वैकुंठ तक पहुंच रहा हूँ। इसका अर्थ है कि जब पुरुषार्थ का पक्ष कट गया तब कृपा का पक्ष शुरू हुआ। अब मैं जो वैकुंठ जा रहा हूँ यह पुरुषार्थ के पक्ष से नहीं कृपा के पक्ष से जा रहा हूँ, यहाँ दोनों का सामंजस्य है। भगवान बोले, लक्ष्मण सीता जी ने जब सुग्रीव का चुनाव किया तो यह मानकर किया कि प्रभु तक संदेश पहुँचाने के लिए यही उपयुक्त है,
क्योंकि सीता जी को लज्जा बचाने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। वे भली भांति जानती हैं कि मेरी लज्जा बचाने वाले एकमात्र प्रभु ही हैं। उन्होंने तो सुग्रीव को केवल संदेशवाहक के रूप में चुना। यह तत्व मानस में उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जैसा कि वाल्मीकि रामायण में आता है। वहाँ जो हनुमान ने सीता जी से यह प्रस्ताव किया कि आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपको प्रभु के पास पहुँचा देता हूँ, पर हनुमान जी के प्रस्ताव को सीता जी ने स्वीकार नहीं किया। वे बोली, नहीं नहीं, प्रभु जब स्वयं आएंगे तभी चलूँगी। वैसे तो बड़ी विचित्र सी बात है, हनुमान जी इस कार्य को बड़ी सहजता से कर सकते हैं, परंतु सीता जी हनुमान जी के इस अनुरोध को स्वीकार करने की मनस्थिति में नहीं है। अतः हनुमान जी लौट कर प्रभु से कहते हैं कि आप स्वयं चलिए, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीत, बेगी चलई। कहने का अभिप्राय यह है कि किशोरी जी को किसी सेवक द्वारा बुलवा लेना, नहीं नहीं, आप स्वयं चलिए, आप में सामर्थ्य है, आप तो यहाँ से बैठे बैठे ही रावण का वध कर सकते हैं, परंतु सीता जी की विपत्ति को तो प्रभो आप स्वयं चलकर ही दूर कर सकते हैं। सीता जी के वस्त्र को पाकर यदि सुग्रीव ने भी रावण से युद्ध किया होता तो उसकी भी वही दशा हुई होती जो जटायु जी की हुई। सुग्रीव तो बड़े बुद्धिमान राजनीतिज्ञ लगते हैं। क्यों? इसीलिए कि उन्होंने निर्णय किया कि पहले इस वस्त्र को भगवान राम तक पहुँचावें, फिर सेना संगठित करें और तब सीता जी को लंका से छुड़ा कर लावें। गीतराज तो महान प्रेमी थे और सुग्रीव बड़े राजनीतिज्ञ, इसीलिए भगवान राम बोले, लक्ष्मण मुझे तो लगता है कि सुग्रीव का पक्ष बड़ा तात्विक है। सुग्रीव के पक्ष का तात्विक अर्थ यह है कि सीता जी की रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, यह तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं, यह काम उनका है, वे ही सामर्थ्यवान हैं, हमारा काम केवल उन तक संदेश पहुंचाना मात्र है। व्यक्ति असमर्थ है वह तो माँ जानकी के उस वस्त्रखंड को लेकर प्रभु के पास जा रहा है। सुग्रीव के सामने वस्त्रखंड गिराने का जनक नंदिनी का आशय यह था कि प्रभु मेरी लज्जा का अपहरण हो रहा है, इसका संकेत चिन्ह में सुग्रीव के पास छोड़कर जा रही हूँ। यह तो असमर्थ है, पर इससे आपको मेरा संदेश मिल जाएगा। यह संकेत सुग्रीव के संदर्भ में भी है और हनुमान जी के संदर्भ में भी है। अंत में जब सीता जी के पास जाने के लिए हनुमान जी का चुनाव किया गया तो उनमें ऐसी कौन सी योग्यता देखी गई? वैसे तो लगता है कि यह बिल्कुल उल्टा चुनाव है, पर सूत्र क्या है? हनुमान जी का चुनाव होना चाहिए या किसी और का? हनुमान जी हैं बाल ब्रह्मचारी और भगवान राम अपने विरह का संदेश ब्रह्मचारी के हाथों भेज रहे हैं। अब ब्रह्मचारी भला विरह को क्या जानेगा? आपने नल दमयंती की वह कथा पढ़ी होगी जिसमें दमयंती से वियोग होने के बाद नल रोते हुए भगवान राम को खोजने लगे। क्यों? नल ने कहा कि पत्नी विरह का दुख तो केवल राम ही जानते हैं। किम करोमि को गच्छामि रामो नास्ति महितले, पत्नी विरहजम दुखम रामो जानाति केवलम। उनका तात्पर्य यह है कि यदि राम मिल जाते तो मैं सुनाता कि दमयंती के विरोग में मुझे कितना दुख हो रहा है, राम ही उसे सुनकर प्रभावित होते। ये नल बेचारे तो राम को ढूंढ रहे थे, पर राम ने खोजा भी तो बाल ब्रह्मचारी को खोजा और उनसे कहा कि जाकर सीता जी के समक्ष मेरे विरह का वर्णन करना। श्री राम ने हनुमान जी को दो काम दिए, मेरे बल का वर्णन करना और मेरे विरह का वर्णन करना। कहीं बल विरह बेगी तुम आए हो, इस कार्य के लिए हनुमान जी ही क्यों चुने गए? प्रभु का तात्पर्य यह था कि हनुमान तुम ही मेरे बल का वर्णन करने के अधिकारी हो, क्योंकि सारे बंदर तो अपने ही बल का वर्णन करते हैं, पर केवल हनुमान जी ऐसे हैं कि अपने बल का वर्णन तो क्या, उन्हें तो अपने बल की याद तक नहीं रहती। जो अपने बल का वर्णन करते रहते हैं वे प्रभु के बल का वर्णन क्या करेंगे? जिनको स्वयं में बल का अभाव बोध होगा वही ईश्वर के बल को समझ सकेगा। प्रभु हनुमान जी से बोले, तुम ही मेरे बल का वर्णन कर सकते हो, अतः जाओ और सीता जी को मेरे बल का वर्णन सुनाओ,
जो बेचारे विरही होते हैं वे तो हमेशा अपने ही संयोग की चर्चा करते रहते हैं, वे दूसरों के विरह दुख को क्या समझेंगे। ऐसी स्थिति में बाल ब्रह्मचारी होने के नाते तुम्हें कहीं विरह नहीं है, अतः तुम ही इस विरह का समाधान कर सकते हो। मूल सूत्र यही है। भक्ति का मूल आधार यह है कि व्यक्ति अपनी असमर्थता का बोध कर रहा है या नहीं। यदि असमर्थता का भान हो रहा है तो धर्म और मर्यादा का पालन कीजिए, वही कल्याणकारी पक्ष है। भक्ति का उदय कब होगा? सीता जी भक्ति हैं और उन्होंने समर्थ के स्थान पर असमर्थ का चुनाव किया। इसका अभिप्राय यह था कि हमारी सबसे बड़ी पात्रता यह है कि हम अपनी असमर्थता का अनुभव करें, उसे स्वीकारें और वही करें जो सुग्रीव ने किया। सुग्रीव ने सीता जी के उस वस्त्र खंड को अपने पास रख लिया और अंत में वह क्षण आता है जब साक्षात श्री राम आए और तब सुग्रीव ने उसे प्रभु को दे दिया। उसे देखकर भगवान श्री राम ने एक बार भी यह नहीं कहा कि तुम कितने कायर हो, तुमने सीता जी का हरण होते हुए देखा फिर भी बचाने की चेष्टा नहीं की। प्रभु का तात्पर्य था कि यह भान होना चाहिए कि इस घटना में हम केवल निमित्त मात्र हैं। समस्या का समाधान तो केवल प्रभु के द्वारा ही संभव है। इस धारणा के बिना व्यक्ति के अंतःकरण में भक्ति भावना का उदय नहीं होगा। अतः ध्यान रहे कि भक्ति भावना में पराजय का बड़ा महत्व है। इसका एक सांकेतिक सूत्र आपको रामायण में मिलेगा। लंका के युद्ध में जितने भी बड़े से बड़े योद्धा हैं एक ना एक बार सभी हार जाते हैं। बेचारे सुग्रीव की तो बात ही क्या, वे तो हमेशा हारते ही रहते हैं। पर हनुमान जी हारे या नहीं, लक्ष्मण जी हारे या नहीं, ये सभी बड़े से बड़ा पात्र भी हार जाते हैं। हनुमान जी का कुंभकर्ण से युद्ध हुआ, कुंभकर्ण ने हनुमान जी को मूर्छित कर दिया। इनमें बड़े गहरे संकेत हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सफलता और विजय से व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है, हो जाने की संभावना है कि वह सारी समस्याओं का समाधान करने और सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करने में पूर्ण समर्थ है। उसे किसी अन्य सामर्थ्यशाली व्यक्ति या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो सांकेतिक सूत्र दिया गया कि बिना पराजय के इस भ्रम का दूर होना संभव नहीं है, इस भ्रम के निवारण के लिए विशेष रूप से भक्ति के संदर्भ में जीवन में केवल जय का ही नहीं पराजय का भी असमर्थता का भी बोध होना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब पराजय का सामना करता है तब उसे लगता है कि मुझे अपनी असमर्थता के कारण पराजित होना पड़ता है। तब उसे ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम अपने असामर्थ्य को ऐसे समर्थ से जोड़ दें जिनके साथ जुड़ने से जीवन में आने वाली अपनी असमर्थता के दुष्परिणाम हमें न भोगने पड़ें। ऐसा बोध हनुमान जी को होता है। वे कुंभकर्ण से हार गए। उन्होंने भी यही कहा, प्रभु इसका अर्थ तो यह हुआ वे कुंभकर्ण से हार गए। हनुमान जी को यह दुख नहीं हुआ कि वे कुंभकर्ण से हार गए। उन्होंने भी यही कहा, प्रभु इसका अर्थ तो यह हुआ कि चाहे कोई कितना भी महान बलि क्यों ना हो जाए पर यह दावा नहीं कर सकता कि वह अहंकार रूप कुंभकर्ण को पराजित कर ही देगा। वह यह दावा नहीं कर सकता कि हमारे जीवन में एक क्षण के लिए भी अहंकार का एक क्षणिक आवेश नहीं आएगा। लक्ष्मण जी को भी यही अनुभूति होती है। महानतम वैराग्यवान होते हुए भी मेघनाथ के रूप में काम से पराजित होने का संकेत किया गया। भक्त के पास इसे देखने की वह दृष्टि है कि हम जय या पराजय को किस अर्थ में लेते हैं। विजयी होने के बाद अभिमानी हो जाने वाले अनगिनत व्यक्ति हैं और पराजित होने के बाद निराश हो जाने वाले व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं है। परंतु जय को भगवान का प्रसाद और पराजय को भगवान का निमंत्रण समझना चाहिए। आपका मित्र जब आपके पास कुछ भेजता है तो आप प्रसन्न होते हैं, परंतु जब मित्र लिखता है आप आइए आपसे मिलना चाहता हूँ, तब आप और अधिक प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार भगवान जब जीव के पास जय भेजते हैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु
आपने जय का उपहार भेजा, और जब कभी पराजय का अनुभव हो तो समझ लेना चाहिए कि अब ईश्वर बुला रहे हैं। भेंट तो मैंने अनेकों बार भेजी, एक बार जरा तुम भी तो मेरे पास आ जाओ। पराजय का भी बड़ा महत्व है। इसमें एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वह यह है कि जितने भी योद्धा हैं वे तो युद्ध में कभी ना कभी अवश्य हारे, पर इस पूरे युद्ध में सारे बंदर भालुओं में कोई यदि बिल्कुल भी नहीं हारा तो वे हैं वृद्ध जांबवान जी। उन्हें देख मेघनाथ ने तो यह भी कह भी दिया, जा तुम्हें बूढ़ा समझकर मैंने छोड़ दिया। तो इस पर जांबवान जी ने भी बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बूढ़ जानी सट छाड़े हो तो ही मही पछाड़े निज बल दिख रायो। उसे पछाड़ कर अपना बल दिखा दिया, बता दिया कि मुझे बूढ़ा समझ धोखे में ना रहना, तुम जैसे जवानों के लिए अभी भी हम बहुत हैं। यह जांबवान की बलवत्ता है। याद रहे जांबवान जी किसी से नहीं हारे, पहले सतयुग में भी वे थे और त्रेता व द्वापर युग में भी थे। तीनों युगों में तीन घटनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। स्वयं जांबवान जी ने समुद्र के तट पर बंदरों को सतयुग की कथा सुनाते हुए कहा था, जब बाली की यज्ञशाला में भगवान वामन से विराट बने तब मैंने दो घड़ी में उनकी सात प्रदक्षिणाएं की। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रहो बल भारी, बलि बांधत प्रभु बाड़े हुसो तनु बरनी न जाय, उभय घरी मह दीन ही सात प्रदिक्षण धाय। ये सतयुग के जांबवान हैं, और त्रेता युग वाले तो कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर जब मौका आता है तो मेघनाथ को बता देते हैं कि तुम धोखे में ना रहना, तुम्हारे लिए तो मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? जांबवान ब्रह्मा के अवतार हैं और ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं। जहाँ कृतत्व होगा वहाँ पर सात्विक अहंकार की संभावना तो बनी ही रहती है। जब कोई व्यक्ति किसी बहुत अच्छी वस्तु का निर्माण करता है तो उसके मन में मैं निर्माता हूँ यह बात आती ही है, और ब्रह्मा जी की वह मनोवैज्ञानिक समस्या भगवान श्री राम के विवाह में दिख पड़ी। जब प्रभु के विवाह का दिन आया तो वे भी देवताओं के साथ जनकपुर आए, पर जनकपुर को देखकर वे बड़े निराश हुए, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं यह गर्व छिपा था कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है और जनकपुर भी उसी का एक अंश है जिसमें आज यह विवाह हो रहा है। पर वहाँ पहुँचकर ब्रह्मा जी को सब कुछ देख बड़ा आश्चर्य हुआ। पूरे जनकपुर में ब्रह्मा जी को अपना बनाया हुआ कोई पदार्थ ही नहीं दिखाई दिया। विधि भय आचरज विशेषी निज करनी कछुकतहु न देखी। ब्रह्मा जी के निराश होने पर तब शंकर जी ने उनसे एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले महाराज जानते हैं आपको निराश क्यों होना पड़ा? क्यों? बोले आप आए हैं तो विवाह देखने। पर किसका? अपने माता पिता का विवाह देखने आए हैं और खोज रहे हैं अपनी बनाई हुई वस्तुएं। शिव समुझाए देख देव सब जनिया चरज भुलाहो, हृदय विचारु धीर धरी सिय रघुवीर बियाहो। यहाँ आप यह न देखें कि आपने क्या बनाया, बल्कि यह कि आपको किसने बनाया, तब आप समझ जाएंगे। यही मूल बात है। मैंने क्या बनाया इस पर दृष्टि जाती है तो अभिमान होता है, और मुझे किसने बनाया इस पर दृष्टि जाने से अहम नाश होता है। भगवान का विवाह मैं की स्वीकृति या अपने अहम को खोजने के लिए नहीं, उसे भूलने के लिए है। वह गाथा आपने सुनी होगी, किसी मूर्तिकार को यह पता चल गया कि एक वर्ष के बाद अमुक दिन उसकी मृत्यु होगी, तब उसने मृत्यु को यमदूतों को धोखा देने के लिए अपनी 12 प्रतिमाएं बनाई। जब मृत्यु का क्षण आया तो वह उन 12 मूर्तियों के बीच बैठ गया। वे इतनी विलक्षण प्रतिमाएं थी कि यमदूत देखते रह गए कि वहाँ एक ही जैसे दिखने वाले 13 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यमदूत निराश होकर लौट आए और यमराज से बोले, महाराज वहाँ तो एक ही जैसे 13 व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम समझ नहीं सके कि इनमें से किसे लाना है। तब यमराज ने अपने दूतों को एक मंत्र दिया। यमदूत फिर से आए और कहने लगे, धन्य है वह मूर्तिकार जिसने इतनी विलक्षण मूर्तियां बनाई हैं,
मिल जाए तो हम उसके हाथ चूम लें। मूर्तिकार खड़ा हो गया और बोला, मैंने बनाई हैं। उन्होंने कहा, चलो पकड़ में आ गए ना। तात्पर्य यह है कि जहाँ कृतित्व की वृत्ति आई, वहीं सबसे बड़ा संकट है। यह कैसे संभव है कि हम निर्माण करें और हमें कृतित्व का अभिमान न हो? ब्रह्मा जी की यही समस्या है। शंकर जी उन्हें इस समस्या से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। अब यह जो सरस्वती के पीछे ब्रह्मा जी का भागना है, यह सुनकर बड़ी अश्लीलता का बोध होता है, बड़ा भद्दा सा लगता है। सुनकर मन में एक प्रकार से वितृष्णा सी होती है, पर गहराई से विचार करके देखिए, यह दुर्बलता तो प्रत्येक कृतिकार में दिखाई देती है। सरस्वती के पीछे ब्रह्मा के भागने का तात्पर्य यह है कि हम भी अपनी ही कृति के पीछे भागते हैं या नहीं? अपनी कविता के पीछे, अपने भाषण के पीछे, अपनी कला के पीछे, अपनी योग्यता के पीछे, यही तो है सरस्वती के पीछे ब्रह्मा जी का भागना। जब उन्होंने सरस्वती के पीछे भागना आरंभ किया, तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काट लिया। पुराणों में कहा गया है कि पहले ब्रह्मा जी के पांच सिर थे। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि जब हम अपनी कृति के प्रति आसक्त होकर अपने ही निर्माण के पीछे भागने लगते हैं, तो एक सिर कट ही जाना चाहिए। यह पांचवां सिर कृतत्व अभिमान का सिर है। मैं इसका निर्माता हूँ, यह इसकी वृत्ति है। ऐसी स्थिति में जाम्बवान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सतयुग में भी उनका यह स्वभाव सामने आया। बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन के रूप में आए, तब इन्होंने परिक्रमा नहीं की। तब विराट बने, तब परिक्रमा की। विराट भगवान थे तो क्या वामन भगवान नहीं थे? पर उन्हें लगा कि यदि हम वामन की परिक्रमा करेंगे तो इसमें हमारी विशेषता क्या? नया चमत्कार तो तब है जब भगवान विराट हो जाएं, तब मैं दो घड़ी में उनकी सात परिक्रमा कर दूं, तभी तो पता चलेगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। उनके स्वभाव में यह मैं सतयुग में भी था। जब त्रेता युग आया तो उन्होंने सारे राक्षसों को चुनौती देते हुए मानो कहा कि हमने ही तुम्हें बनाया और हमें ही तुम हराओगे। बोले, मेघनाथ, तुम समझते क्या हो? तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। जाम्बवान किसी से हारे ही नहीं। तब भगवान के मन में करुणा आई। प्रभु ने मुस्कुराकर सोचा कि जाम्बवान ने तो बड़ी सेवा की है, इनको पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। भगवान जब द्वापर में कृष्ण बने, तब उन्होंने जाम्बवान को बड़ा विचित्र पुरस्कार दिया। यह कथा आपने पढ़ी या सुनी होगी, भागवत की कथा है। भगवान श्री कृष्ण पर सयमंतक मणि की चोरी लगी और वे उस गुफा में पहुँचे जहाँ जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती के हाथ में वह मणि थी। श्री कृष्ण ने उससे मणि लेनी चाही तो जाम्बवान की नींद खुल गई। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दी। भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान के बीच 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। तब भगवान ने उन्हें त्रेता युग की सेवाओं का ऐसा विचित्र पुरस्कार दिया, 28 दिनों तक उनकी इतनी पिटाई की कि सारी हड्डी पसली ढीली पड़ गई, दर्द से कराहने लगे। तब जाम्बवान जी पहचान गए, ओहो, आप तो हमारे प्रभु हैं, मेरी कन्या जाम्बवती को स्वीकार कीजिए। उन्होंने प्रभु को उलाहना दी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। प्रभु ने कहा, जाम्बवान, जब मैंने देखा कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता और बिना हारे, बिना असमर्थता का बोध हुए कोई व्यक्ति समर्पित नहीं हो सकता, तब मैंने सोचा कि जब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता तो मुझे ही तुम्हारे ऊपर थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ेगा। ईश्वर स्वयं जब हार का अनुभव कराते हैं तब जाम्बवंती का समर्पण होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक सामर्थ्य का, विजय का बोध है, तब तक जीवन में समर्पण की वृत्ति नहीं आएगी, समर्पण नहीं होगा। यह जो जाम्बवान की बेटी जाम्बवती है, यह हमारे अंतःकरण की समर्पणात्मिका वृत्ति है। जब हम भगवान के सामने अपनी असमर्थता का, पराजय का अनुभव करते हैं, तब यह समर्पण की वृत्ति आती है। इसीलिए पराजय के बाद जब सही दृष्टि से देख सकें, अनुभव कर सकें, तो वह असमर्थता और पराजय भी हमारे लिए वरदान बन सकती है। यह जो सत्य है वह सुग्रीव के जीवन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। बाली के समक्ष सुग्रीव की जो पराजय है, उस पराजय का ही तो परिणाम है भगवान को पा लेना।
उस पराजित सुग्रीव ने भगवान को पहले पाया और विजेता बाली ने भगवान को पाया भी तो तभी पाया जब अपने को पराजित अनुभव किया। जब तक वह भगवान को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता रहा तब तक उस पर भगवान की करुणा नहीं हुई, पर जब बाली ने भगवान राम से कहा स्नहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, यह जो असमर्थता की अनुभूति हुई उसे उसने ईश्वर से जोड़ दिया। इसे यूँ कह सकते हैं कि सामर्थ्य की अनुभूति हमें अहंकार से जोड़ देती है और असमर्थता की अनुभूति हमें ईश्वर से जोड़ देती है। सुग्रीव में यह असमर्थता का बोध है, इसीलिए भक्ति रूपी सीता जी ने चिन्ह देकर मानो कहा कि सुग्रीव तुम ही इसके लिए उपयुक्त पात्र हो, मेरा यह वस्त्र ले जाकर प्रभु को अर्पित करो, प्रभु आकर मुझे छुड़ा लेंगे। इस तरह से सुग्रीव को पहला प्रमाण पत्र तो श्री सीता जी से मिला। और दूसरा, जब भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में जाते हैं, सीता जी खो गई हैं, उनका खो जाना तो राम की वास्तविक समस्या नहीं है, उन्होंने तो नाटक किया, पर हमारी तो यह वास्तविक समस्या है। सीता जी के खो जाने का क्या तात्पर्य है? इतिहास की दृष्टि से वे महाराज जनक की पुत्री हैं, पर वेदांत की भाषा में वे मूर्तिमती शांति हैं। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, भक्तों की भाषा में वे साक्षात भक्ति हैं। भगवान राम की भाषा में वे आदिशक्ति रूपी उनकी माया हैं। पुराणों की भाषा में वे महालक्ष्मी की अवतार हैं। वस्तुतः वे चाहे जो भी हों, इनकी आवश्यकता तो संसार में सभी को है, पर जब हम रावण की तरह उनको पाने की चेष्टा करते हैं तो हमारे जीवन का वही परिणाम होता है जो रावण का हुआ। उनको पाने की सही पद्धति बताने के लिए ही प्रभु ने सीता जी को खोजने का अभिनय किया। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पर वे सीता जी को खोजने का अभिनय करते हुए शबरी के आश्रम में जाते हैं। गीतराज से समाचार मिल चुका है कि सीता जी का हरण करके रावण दक्षिण की ओर गया है, पर वे शबरी से पूछते हैं सीता जी कहाँ हैं। भगवान राम को पता है तो भी पूछ रहे हैं कि सीता जी को पाने का उपाय क्या है। भगवान का यह प्रश्न आपने पढ़ा होगा, वे पूछते हैं आप कृपा करके बताइए कि सीता जी की सुधि क्या है। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कहू करिबर गामिनी। विस्तार से सुधि शब्द की व्याख्या करने को अभी समय नहीं है, परंतु सुधि शब्द का अर्थ जानने की अपेक्षा सुधि महत्वपूर्ण है। गीतराज से संदेश पाकर भी प्रभु शबरी से पूछते हैं आप सीता जी की सुधि बताइए। शबरी जी संकोच से गड़ जाती हैं और कहती हैं प्रभो मैं बड़ी लज्जा से गड़ी जा रही हूँ कि सर्वज्ञ ईश्वर मुझसे पूछ रहा है कि सीता जी कहाँ हैं, पर नाटक में जब मुझे यह काम सौंप ही दिया गया है तो मैं उत्तर भी दूंगी। और उन्होंने उत्तर दिया आप पंपा सरोवर की यात्रा कीजिए जहाँ सुग्रीव से मित्रता होगी। पंपा सरही जाओ रघुराई, तहाँ हो वही सुग्रीव मिताई। विचित्र बात है, हनुमान जी पहले मिलेंगे या सुग्रीव? शबरी जी को तो कहना चाहिए था कि आप पंपा सर की यात्रा कीजिए, वहाँ आपको हनुमान जी मिलेंगे और वे सीता जी का पता लगाएंगे। पर इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा कि उन्होंने तो हनुमान जी का नाम तक नहीं लिया, लिया तो बस सुग्रीव का। इसका अभिप्राय है कि सीता जी ने भी अपने संदेशवाहक के रूप में सुग्रीव को ही चुना और शबरी जी ने भी उन्हीं का नाम लिया। इसका अर्थ है कि यदि ऐसा लगे कि सीता जी हमारे जीवन में खो गई हैं तो हमें शबरी जी के पास जाना चाहिए। शबरी जी कौन है? भगवान कहते हैं नव महु एकहु जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो यति सय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। शबरी जी के जीवन में 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है। भगवान का अभिप्राय यह है कि जब भक्ति खो गई है तो जहाँ 9 प्रकार की भक्ति है वहीं तो पता चलेगा। और शबरी जी कह देती हैं सुग्रीव हनुमान जी का नाम क्यों नहीं लेती? कहती हैं प्रभो हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता लगा लेने में चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो तब है जब सुग्रीव जैसा व्यक्ति भी भक्ति की खोज में भक्ति को पाने के लिए महानतम साधक बने। असमर्थ की भूमिका को अधिक महत्व देने के लिए ही शबरी जी सुग्रीव का नाम लेती हैं।
उसके बाद हनुमान जी ने अंतिम और बड़ा अनोखा प्रमाण पत्र दिया। तीनों सुग्रीव का ही नाम लेते हैं। शबरी जी ने कहा सुग्रीव से मित्रता होगी। सीता जी ने भी सुग्रीव को ही अपना चिन्ह दिया। जब सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि पता लगा कर आइए कि ये कौन आ रहे हैं, तो आध्यात्मिक संदर्भ में इसका अभिप्राय है कि यह भक्ति साधन का एक क्रम है। सीता जी की खोज भी एक क्रम है, और वह क्रम है कि सबसे पहले हमारे जीवन में ईश्वर का महात्म्य ज्ञान होना चाहिए। जब हम ईश्वर को ईश्वर के रूप में पहचानेंगे, जब हम उससे उसके महत्व का ज्ञान होगा, तब हमारे अंतःकरण में ईश्वर के प्रति भक्ति का उदय होगा। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, जब भी भक्ति का उदय होता है, ईश्वर का महात्म्य ज्ञान होने पर ही होता है। अब इस महात्म्य ज्ञान के लिए सुग्रीव ने किसका आश्रय लिया? हनुमान जी का, जो शिवावतार रूप में मूर्तिमान विश्वास है। इसका अभिप्राय है कि सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हमें बुद्धि चाहिए, पर ईश्वर को जानने के लिए विश्वास की ज़रूरत है। यह विश्वास कैसा होता है? मानकर जानना एक बात है और जानकर मानना दूसरी। हनुमान जी ने जानकर माना या मानकर जाना? वे साक्षात विश्वास हैं। बुद्धिमत्ता यानी जानकर मानना और विश्वास यानी मानकर जानना। संसार के संदर्भ में पहले जानिए बाद में मानिए, पर ध्यान रहे ईश्वर के संदर्भ में पहले मानिए और बाद में जानने की चेष्टा कीजिए। इसीलिए हनुमान जी की विजय क्या है? हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रभु के पास गए और उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया। यह देखकर प्रभु के होठों पर हंसी आ गई। बाद में कभी हनुमान जी ने पूछा, प्रभु जब मैंने पहली बार आपके चरणों में प्रणाम किया तो आपके होठों पर हंसी क्यों आ गई थी? इसमें कुछ तो रहस्य होगा। प्रभु ने कहा, हनुमान मुझे यही लगा कि नाटक में तुम्हारे अभिनय में अभी कुछ कमी है। क्या? बोले, जब तुम ब्राह्मण बनकर आए थे तो मेरा प्रणाम ग्रहण करने के लिए थोड़ा रुकना तो था, पर तुम तो स्वयं प्रणाम करने लगे। यह कमी है या नहीं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि उल्टे मैं ही कहूँ कि मैंने आपको प्रणाम किया तो आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और आप यदि मुझे सचमुच ब्राह्मण मानते होते तो क्षत्रिय के रूप में आप मुझे प्रणाम कर सकते थे। पर महाराज, यहाँ तो दोनों का खेल अनोखा चल रहा है। आपने भी वेश धारण किया है और मैंने भी। ब्राह्मण का वेश धारण करके मैंने आपको प्रणाम किया, इसमें क्या कोई भूल हुई है? कि क्या ब्राह्मण का यही लक्षण है कि जो किसी को प्रणाम न करे वही ब्राह्मण है? यह तो मैंने कहीं नहीं सुना। आप ही बताइए कि ब्राह्मण की सही परिभाषा क्या है? प्रभु ने कहा, ब्राह्मण की सही परिभाषा तो है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको ब्रह्म समझ कर ही प्रणाम किया, क्षत्रिय समझ कर नहीं। यदि मैंने ब्रह्म को समझ लिया तो ब्राह्मणत्व का सच्चा अर्थ तो यही है। यह नहीं कि अकड़ कर खड़ा हो जाए और कहे कि तुम क्षत्रिय हो, चलो हमें प्रणाम करो। ब्राह्मणत्व का सच्चा अर्थ तो यही है कि वह ब्रह्म को, ईश्वर को पहचान ले, और पहचान लेने पर उसमें यही वृत्ति आएगी कि ईश्वर के सामने हमारा सिर झुक जाए। मात नाई पूछत अस भयो का अर्थ क्या है? मस्तक बुद्धि का केंद्र है। उस मस्तक को जब हम भगवान के सामने झुका देते हैं तो उसका अभिप्राय है ईश्वर के चरणों में बुद्धि का समर्पण। ईश्वर को हनुमान जी ने पहले पहचाना। पहले उन्होंने ब्रह्म मान लिया और मान कर फिर पूछ दिया, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रि रूप विरहु बन वीर। प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं। हनुमान जी ने जब प्रश्न किया तो उन्होंने सोचा, जब इतना योग्य विद्यार्थी आया है तो जरा इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। बोले, मेरा परिचय जानना चाहते हो? मेरा परिचय तो यही है कि कौसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निशिचर वै देही, विप्र फिरही हम खोजत देही, आपन चरित कहाँ हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। अपना परिचय जानबूझकर ऐसा दे दिया कि ईश्वरत्व का कोई भी लक्षण पास भी न भटकने पाए। ईश्वर सबका पिता है, सो बोले, मेरे पिता दशरथ हैं। हनुमान जी के मुंह से निकल गया था कि तुम अखिल भुवनपति,
क्या आप संसार के स्वामी हैं? ईश्वर की आज्ञा सब मानते हैं। प्रभु ने इसके विपरीत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हम पितु वचन मानी बनाए। ब्राह्मण देवता, कहाँ आप मुझे भुवनपति बता रहे हैं? अरे भुवनपति कौन कहे, अयोध्यापति बनने वाला था, वह भी नहीं बन पाया। पिताजी ने मुझे वन भेज दिया। प्रभु ने अपना नाम बताया, राम, और छोटे भाई का नाम लक्ष्मण। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म अरूप और अनाम है, एक अनीह अरूप अनामा। प्रभु ने हंसकर कहा, देखो मेरा रंग सांवला है और इसका गोरा, यह अरूप हुआ या स्वरूप? और ब्रह्म एक है या दो? ब्रह्म तो एकमेवा द्वितीयम है, और तुम्हें हम दो दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, भंजन धरने भार, पृथ्वी का भार उतारने आए हैं? प्रभु ने व्यंग किया, यह हरि ने सिचर बाय दे ही, अरे मेरी पत्नी पृथ्वी की बेटी है और रावण ने उसे चुरा लिया, मैं तो उन्हीं की रक्षा नहीं कर पाया, तो पृथ्वी का भार क्या उतारूंगा? मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में हूँ जो मेरा ही भार उठा सके। अंत में यही हुआ भी। प्रभु हनुमान जी की पीठ पर बैठ गए और बोले, बस यही तो मैं खोज रहा था। तुम पूछ रहे थे कि क्या मैं संसार का भार उतारने आया हूँ, पर मैं तो पूछ रहा था कि मेरा भार कौन उठाएगा। तुम मिल गए, चलो अच्छा हुआ। इस तरह से अनोखे शब्दों में प्रभु ने अपना परिचय दिया। दूसरा होता तो निराश होकर लौट जाता कि इनमें तो ब्रह्म का एक भी लक्षण नहीं है, यह कैसा ईश्वर है। पर हनुमान जी का विश्वास, जो ही प्रभु के वाक्यों को सुना, विश्वास की परीक्षा हो गई। हंसते हुए व्यक्ति को देखकर ईश्वर की धारणा होना सरल है, पर रोते हुए ब्रह्म को देखकर ब्रह्मत्व में आस्था बनी रहे, यह बड़ा कठिन है। शंकर जी ने रोते हुए राम को देखकर उन्हें ईश्वर माना था। प्रभु ने पग पग पर अपनी असमर्थता का वर्णन किया है, आज भी वही हुआ। पर हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्हें जोरों से पकड़ लिया। प्रभु पहचानी परऊ गही चरना। प्रभु ने कहा, तुम्हारा तो सारा व्यवहार ही उल्टा लग रहा है। आए तो पहले प्रणाम कर दिया, और जब मैंने मनुष्य के रूप में अपना परिचय दिया तो तुमने चरण पकड़ लिए। नियम तो यह है कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं, और अधिक सम्मान देते हैं तो उनके चरण पकड़ लेते हैं। पर तुमने ब्रह्म समझकर तो दूर से प्रणाम किया, और जब मैंने अपना परिचय मनुष्य के रूप में दिया तो मेरे चरण पकड़ लिए। हनुमान जी बोले, प्रभो मुझे बड़ा संतोष हुआ। क्या? बोले, ब्रह्म का परिचय जब शास्त्रों में दिया गया तो यह भी कहा गया कि वह मन बुद्धि वाणी से परे है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। पर आपने जब नया परिचय दिया तो लगा कि यह तो पकड़ में आने वाला ईश्वर है। अब तक ईश्वर पकड़ से परे था। प्रभो जो ईश्वर पकड़ से परे होगा उसे जीव कैसे पकड़ेगा? आज पकड़ में आने वाले ईश्वर को पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब क्या हुआ? हनुमान जी और प्रभु का मिलन हुआ। हनुमान जी ने सुग्रीव का परिचय दिया। हनुमान जी को सुग्रीव का स्मरण बना हुआ है। हनुमान जी और सुग्रीव के संदर्भ में पौराणिक कथा यह है कि हनुमान जी ने सुग्रीव सूर्य से विद्या प्राप्त की। जब उन्होंने सूर्य से गुरु दक्षिणा मांगने का अनुरोध किया तो वे बोले, मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करो। उसी कारण हनुमान जी अपने गुरु पुत्र सुग्रीव को गुरुवत मानकर अतीव सम्मान देते हैं, गुरुवत गुरु पुत्रेषु, और सतत उनकी सेवा में सन्नत रहते हैं। जैसी गुरु दक्षिणा हनुमान जी ने दी वैसी मिल जाए तो गुरु भी धन्य हो जाए। गुरु दक्षिणा में साक्षात ईश्वर को ही देना। सुतीक्ष्ण जी ने भी यही किया। सुतीक्ष्ण जी प्रभु से मिले, प्रभु बोले, हम यात्रा में हैं अतः चलेंगे। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मुझे भी साथ ले चलिए। उन्होंने भी अपने गुरु अगस्त्य जी से दक्षिणा मांगने को कहा था। गुरु ने कहा, नहीं चाहिए। वे बोले, नहीं महाराज, मेरे संतोष के लिए मांगिए। उन्होंने कहा, मुझे ईश्वर से मिला दो, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा यही है। सुतीक्ष्ण जी ने सोचा, यही मौका है, पर उपाय क्या है? बोले, अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। सुतीक्ष्ण जी बड़े चतुर निकले। अगस्त्य जी के आश्रम में प्रभु के पहुंचने पर वे बोले, रुकिए, मैं पहले गुरु जी को सूचना तो दे दूं, ताकि वे आपसे मिलने की स्थिति में आ जाएं। तात्पर्य यह है कि आप स्वयं चले जाएंगे तो मैं गुरु दक्षिणा कहाँ दे पाऊँगा। अतः तत्काल जाकर गुरु जी को सूचना दी, नाथ कोसला धीस कुमारा, आई मिलन जगत आधारा।
हनुमान जी ने भी प्रभु से प्रस्ताव किया था, महाराज आप चलकर सुग्रीव से मित्रता करें। हनुमान जी ने भगवान राम को सुग्रीव का जो परिचय दिया वह बड़ा अनोखा था। कहना तो यह था कि बेचारा सुग्रीव एक दीनहीन असमर्थ व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने परिचय देते हुए कहा, महाराज पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं, नाथ सैल पर कपिपति रहे। बड़ी विचित्र बात है, सुग्रीव कहाँ के राजा हैं, उसे तो बाली ने मारकर भगा दिया है, न राज्य है न संपत्ति है और पत्नी भी छिन गई है। पर हनुमान जी कहते हैं कि पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं। दूसरा परिचय देते हैं, वह सुग्रीव आपका दास है। सो सुग्रीव दास तव अहि, दास तो इतने बड़े थे कि देखकर भागने की योजना बना रखी थी। और तब हनुमान जी ने प्रस्ताव किया, आप चलकर उनसे मित्रता कीजिए, तेहि सननाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी तेहि अभय करीजिए। प्रभु को हंसी आ गई, बड़ा विचित्र परिचय है, एक ओर तो कहते हो कि वह बंदरों का राजा है, दूसरी ओर कहते हो वह दीन है, यदि राजा है तो उसका राज्य कहाँ है। हनुमान जी बोले, प्रभु यदि किसी अन्य को परिचय देना होता तो इन्हें मैं राजा नहीं कहता, पर आपसे तो मैं आप ही की भाषा में बात करूँगा। आपके शब्दकोश में राजा का जो अर्थ है वही यहाँ पर घट रहा है क्या? जब कैकेयी की आज्ञा से आपका राज्य छिन गया, तब कौशल्या जी के पास जाकर उनसे आपने यह नहीं कहा कि आपका राज्य छिन गया। आपके मुंह से तो निकला, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। राज्य छिन जाने के बाद भी आपको लगा कि राज्य पा गए। महाराज जैसे आप सब कुछ छोड़कर भी राजा हैं, वैसे ही ये भी राजा हैं। अपने शब्दकोश के अनुसार ही आप इन्हें भी राजा समझिए। हनुमान जी भगवान का प्रभाव भी जानते हैं और स्वभाव भी। वे बोले, प्रभो संसार में सेवा लेने के लिए लोगों को सेवक की ज़रूरत होती है, और मैं जानता हूँ कि आप भी सेवकों की खोज में रहते हैं, पर सेवा लेने के लिए नहीं तो किस लिए? हनुमान जी बोले, प्रभो संसार में अब आप ढूंढने लगे तो अनेक लोग आगे आए। आपने कहा सेवा करो, क्या सेवा करें? आपने कहा यही सेवा करो कि मैं तुम्हारी जो भी सेवा करूं उसे चुपचाप स्वीकार करो, व्यवधान मत डालना। बड़े अनोखे हैं आप। आपने सोचा यदि मैं सेवक बनकर सेवा करूंगा तो लोग मना कर देंगे, कहेंगे हम आपसे सेवा नहीं लेंगे। महाराज यदि आपको सेवा करने वाले सुग्रीव की ज़रूरत होती तो मैं सुग्रीव का नाम न लेता, पर आपको तो सेवा लेने वाला सेवक चाहिए। इसके लिए सुग्रीव से बढ़िया सेवक आपको कोई नहीं मिलेगा। आप उनके लिए जितना भी करना चाहें कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर कहते हैं, आप चलकर उनसे मित्रता कीजिए, तेहि सननाथ मैत्री कीजिए। मित्रता वे करें या मैं करूं? हनुमान जी बोले, नहीं, समर्थ होते तो वे मित्रता करते, वे असमर्थ हैं। प्रभु के मन में विरोध भरा प्रश्न था, तुम सुग्रीव को नीचे क्यों नहीं बुला लेते? हनुमान जी ने कहा, महाराज जीवन भर भागते भागते वे इतने थक गए हैं कि अब एक पग भी चलने की शक्ति उनमें नहीं है, अब तो आप ही कृपा करके चलिए। हनुमान जी का अभिप्राय था कि सुग्रीव यदि आपसे मित्रता करेंगे तो मित्रधर्म का पालन उन्हें करना पड़ेगा, और यदि आप सुग्रीव को मित्र बनाएंगे तो वे चाहे मित्रधर्म का पालन कर सकें तो भी आपको तो करना ही पड़ेगा। यही असमर्थ की सबसे बड़ी विजय है। प्रभु बड़े आश्चर्यपूर्वक बोले, तुम सुग्रीव की इतनी चिंता कर रहे हो, अपने विषय में क्यों नहीं सोचते? हनुमान जी ने कहा, उपाय तो निकल आया क्या? बोले, सुग्रीव हैं आपके दास, उन्हें आप मित्र बना लीजिए, इसमें तुम्हारा क्या लाभ होगा? बोले, महाराज जब दास को मित्र बना लेंगे तो संसार में आपकी जय ध्वनि होगी। इसमें मेरा स्वार्थ यह है कि जब दास सुग्रीव मित्र बन जाएंगे तो दास वाला पद खाली हो जाएगा और वह आप मुझे दे दीजिए, पद खाली होगा तभी तो मुझे मिलेगा। भगवान राम और लक्ष्मण जी जब हनुमान जी की पीठ पर बैठे तो किसी ने भगवान से पूछा, प्रभो आपके विवाह के समय काम जब घोड़ा बनकर आया तब आप उसकी पीठ पर बैठ गए, और आज कामारी शंकर जी हनुमान जी बनकर आए तो आप उनकी पीठ पर भी बैठ गए, काम और कामारी दोनों की ही पीठ पर, दोनों को आपने कैसे स्वीकार किया? प्रभु बोले, भाई दोनों में एक अंतर है, यह मत देखो कि मैं किसकी पीठ पर बैठा, बल्कि यह देखो कि पीठ पर बैठने का उद्देश्य क्या है।
ध्यान रहे, विवाह के समय जब मैं घोड़े पर बैठा था तो लक्ष्य था सीता जी को पाना, और जब हनुमान जी की पीठ पर बैठा हूँ तब भी लक्ष्य है सीता जी को पाना। मुख्य लक्ष्य है भक्ति को पाना, काम पर बैठकर मिले या कामारी पर, दोनों की स्वीकृति है, दोनों की महत्ता है। लक्ष्य की महत्ता की दृष्टि से मैंने दोनों को स्वीकार किया है, पर गहराई से देखें तो दोनों में थोड़ा भेद किया गया है। क्या? प्रभु जब घोड़े पर बैठे तो उन्होंने कसकर लगाम पकड़ लिया, और जब वे हनुमान जी की पीठ पर बैठे तब तो लगाम थी ही नहीं। लगाम पकड़ने का अर्थ क्या है? प्रभु ने घोड़े से कहा, मैं जब जिधर कहूँ उधर चलो, और हनुमान जी से कहा, जिधर तुम कहो उधर चलूँ। काम को नियंत्रित करने के लिए लगाम की जरूरत है। कामारी हनुमान जी से कह दिया, भाई मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, तुम जहाँ कहोगे वहीं चलूँगा। परिणाम यह होता है कि सुग्रीव ने इतनी सरलता से भगवान को पाया और ईश्वर ने उन्हें मित्र बनाया। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी इसकी बड़ी आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं। कर्म रूपी बाली द्वारा जीव रूपी सुग्रीव सताया गया है। कर्म से संतरस्त व्यक्ति कैसे शरणागति के द्वारा कर्म पर विजय प्राप्त करे, यह संकेत बाली और सुग्रीव के प्रसंग में किया गया है। बाली का वध करके भगवान श्री राघवेंद्र किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे देते हैं। उनकी कृपा की पराकाष्ठा तब होती है जब सुग्रीव राज्य और भोग विलास पाकर प्रभु को भूल जाते हैं। भगवान श्री राम हनुमान जी और लक्ष्मण जी को प्रेरणा देते हैं कि सुग्रीव को जगाओ। ये दोनों सुग्रीव को जगाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? प्रभु को सुग्रीव की कितनी चिंता है। जैसे नन्हा बच्चा बहुत देर तक सोता रह जाए तो माँ उसे जगाने की चेष्टा करती है, वैसे ही सुग्रीव को जगाने के लिए प्रभु अपने दो महानतम भक्तों को भेजते हैं। जब हनुमान जी और लक्ष्मण जी सुग्रीव को लेकर आए तो प्रभु की करुणा की पराकाष्ठा हो गई। भगवान ने कुछ पूछा तो नहीं, पर सुग्रीव ने ही सफाई देते हुए कहा, प्रभु जो काम क्रोध लोभ को जीत ले वह तो आप ही के समान है। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा, लोभ पास जेहि कर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। प्रभु मुस्कुराए। सुग्रीव को लगा कि प्रभु व्यंग भरी हंसी में पूछ रहे हैं कि जब तुम मेरे मित्र हो तब तुम्हें मेरे समान बनना चाहिए था, पर सुग्रीव ने ऐसा उत्तर दे दिया कि उन्होंने हार मान ली। सुग्रीव बोला, प्रभु बात तो बहुत बढ़िया है, पर ऐसा साधना से नहीं बल्कि आपकी कृपा से ही होता है। यह गुण साधनते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। महाराज, बाली को मैंने मारा या आपने? मुझ में तो बाली को मारने की शक्ति थी नहीं, आप जो मुझे मिले अपनी कृपा से मिले या मेरे प्रयत्न से, मुझ में तो कोई साधन था नहीं। प्रभु जब सारा कार्य आपकी कृपा से हुआ तो क्या बुराइयों को जीतने का भार मुझ पर है? आपने ही कृपा नहीं की होगी इसीलिए ये बुराइयां हैं। इस पर भगवान ने उन्हें फटकार नहीं दिया कि तुम उल्टे मुझ पर ही दोषारोपण कर रहे हो, बल्कि भगवान ने तो सुग्रीव को बड़ी अद्भुत उपाधि दे दी। बोले, भाई तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, कहाँ भरत और कहाँ सुग्रीव। परंतु प्रभु ने सुग्रीव से कहा, तुम में और भरत में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, तुम्हें देखकर मुझे भरत की विनम्रता याद आती है। इतने असमर्थ और भीरु सुग्रीव भगवान राम की कृपा पाकर लंका के रणांगन में सेना का संचालन करते हुए भगवान की विजय में सीता जी की प्राप्ति में मुख्य हेतु बनते हैं। यह मानो एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि हम चाहे कितने भी असमर्थ या पराजित क्यों न हों, अपनी असमर्थता और पराजय को ईश्वर से जोड़कर, संत का आश्रय लेकर जब ईश्वर को पहचानते हैं, स्वयं को ईश्वर से जोड़ते हैं, तो संत हमें ईश्वर प्राप्ति कराते हैं। जब ईश्वर जीवन में आते हैं तो वे स्वयं बुराइयों को मिटा देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।